घंटा भी रखी हुई है हाथ। ये अपने वर्दी का कितना गलत यूज कर रही है। मैडम बोल रही है कि हमको फाइन नहीं होता है। उसको लगता है कि हम प्रशासन में है तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जो लोगों को आप गलत तरीके से फाइन कर दे रहे हैं और अपने पुलिस बल पे रहम दिखा रहे हैं, किस खुशी में? इन पे चालान कटनी चाहिए। और क्यों ना कटनी चाहिए? वर्दी की हनक ऐसी कि पत्रकार की लग गई क्लास। पत्रकार हमारी बॉस बबीता मिश्रा, उनका क्लास लगा दी एक पुलिस वाली। समझ रहे हैं? पुलिस वाली का कहना है कि हमको फाइन नहीं लगता है पटना में। जी हाँ, उनका कहना कुछ हद तक सही भी है। जब हमने उस गाड़ी के बारे में रिसर्च किया और देखा तो उस गाड़ी का डिटेल्स जो नजर आया हमको, आप उसको इस डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। पहला नंबर तो गाड़ी का नंबर समझ लीजिए, BR46D6710। एक मोहतरमा पुलिस की वर्दी में पीछे बैठी हुई है और हमारे चैनल के हेड अमित सर उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो मैडम बोल रही हैं, अमित सर जब पूछते हैं कि आपको फाइन नहीं होगा तो मैडम बोलती है नहीं, हमको फाइन नहीं होगा। तो मैं पटना के पुलिस विभाग के और ट्रैफिक पुलिस के SP श्री पूरन झा जी से और DSP साहब से पूछना चाहेंगे कि क्या पटना की पुलिस पे ट्रैफिक नियम के पालन का कोई दबाव नहीं होता है क्या? पुलिस की वर्दी पहन लेने के बाद सारी की सारी व्यवस्थाएं एक तरफ और पुलिस की वर्दी एक तरफ, मतलब एक देश एक कानून, एक बिहार एक ट्रैफिक का कानून। लेकिन मैडम का कहना है कि हम पे फाइन नहीं होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आगे की बात हमको बताते हैं। काहे बिना हेलमेट का घूम रही है? जान का डर नहीं है? देखिए, ये बिहार पुलिस है, नीतीश की पुलिस है। पुलिस वाली ये कह रही थी, जो महिला पुलिस वाली थी, इशारा कर रही थी कि हाँ उनका फाइन नहीं कटता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कई उदाहरण देखे हैं। अगर यही कोई आम जनता होता तो अभी तक इसके फाइन हो जाती, लेकिन ये पुलिस वाली है, पुलिस वाला गलती करे तो समझ जाए ये पुलिस वाली है, इनको अपने जान का डर नहीं है। और ये बेझिझक बगैर हेलमेट के चली हुई है। और इनका देखिए गाड़ी नंबर BR46 BR6710। मैं यहाँ के परिवहन पदाधिकारी से पूछूंगी कि भाई आप है कहाँ? जब आम आदमी के लिए नियम लागू होता है तो ये पुलिस वाली है, इनके लिए नियम लागू नहीं होगा? ये खुद नियम लागू करवाती है और खुद ही नियमों का उल्लंघन करती है। और ये भी तो देखा जाता है ना कि जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते, लेकिन उनका फाइन नहीं कटता है। बड़े अभी जिनकी गलती है बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन अभी देखिए ना, आप खुले आँखों से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो महिला है ये अपने वर्दी का कितना गलत यूज कर रही है। और ये महिला, मतलब आप देखिए, ये डंडा भी रखी हुई है हाथ में, हाँ, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं, इनको लगता है कि हम प्रशासन में है तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो फिलहाल इन पे चालान कटनी चाहिए। और क्यों ना कटनी चाहिए? जी, फर्राटेदार मोटरसाइकिल दौड़ रहा है TVS अपाचे, कहने वाला कोई नहीं। जब पत्रकार महोदय टोकते हैं, बोलते हैं, जब हमारी मैडम बॉस हमारी बबीता मिश्रा जी बोलती हैं, टोकती हैं, तो उनका कहना है कि फाइन नहीं होता है।
अब इस बात को समझिए, फाइन कैसे होगा। इस गाड़ी को BR46D6710 जो अपाचे है, इसका इंश्योरेंस 3 अक्टूबर 2020 को ही फेल हो गया है। आप इस डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं, 3 अक्टूबर 2020 को फेल हुआ है, और पॉल्यूशन 11 जुलाई 2023 को फेल हुआ है। और इन पे जो फाइन किया गया है ना, मैं आपको उसकी भी थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं। इन पे जो फाइन किया गया है, ये 15 दिसंबर 2023 को किया गया है 2000 का, और वो पदाधिकारी थे ट्रैफिक पुलिस हाजीपुर। अब मैं हाजीपुर के पुलिस पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि भैया, पुलिस की वर्दी में थी मोहतरमा, बिना हेलमेट के थी, तो आपने इंश्योरेंस का फाइन कैसे काट के छोड़ दिया? इंश्योरेंस का फाइन कैसे काट के छोड़ दिया ट्रैफिक पुलिस के महान भावों, बताइए। अब इनके अगले चरण की तरफ चलते हैं। ये गाड़ी उस समय चला रहे थे विजय कुमार जी। अब अगला चलन इनको जो हुआ, इनका जो हुआ है, वो चलन हुआ है 6 दिसंबर 2023 को 11:24 पे। उस समय इनके ड्राइवर थे ब्रह्मदेव मंडल, इस अपाचे के, जिसपे मोहतरमा बैठी हुई है। और जो चलान किया गया है, वो चलान 1000 रुपये का है। और इसमें, और देखिए, और इन पे लगाया क्या गया है, पेनाल्टी लगाया गया है मात्र 1000 रुपये का हेलमेट के लिए। वहां पे इंश्योरेंस का छोड़ दिया गया और पॉल्यूशन का छोड़ दिया गया। मतलब सरकार के राजस्व का चोरी किस तरीके से होता है पटना में, और किस तरीके के दोयम दर्जे, मतलब दोहरा नजरिया, एक तरीके से पटना की पुलिस या ट्रैफिक पुलिस अपने पुलिस को देख के अपनाती है, ये देखने की जरूरत है। अब उसके बाद चलते हैं मैडम के गाड़ी पे, तीसरा जो फाइन हुआ है, उस समय इनके ड्राइवर थे ब्रह्मदेव मंडल, और सारा का सारा चलन काटा गया है पटना में ही, बस एक ही चलन था हाजीपुर का, November 25, 2023, फाइन 1000 का, जो CCTV कैमरा में लगता है जूम करके काट दिया जाता है। अब इस चलान को जो काटे हैं, ये भी वही CCTV कैमरा वाला ही है, इसका भी जो फाइन कटा है वो हेलमेट, बिना हेलमेट के कटा है। इस CCTV कैमरा को देख के अन्य लोगों पे डंडा बरसाने वाले ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों, आप ये बताइए कि आपकी रिश्तेदारी इनसे है तो जनता का खून कौन सा चूस रहे हैं, क्यों चूस रहे हैं? आप हमारी गाड़ी पे तो 10000 का फाइन कीजिएगा, जब पॉल्यूशन फेल रहेगा तो। अन्य पटना वासियों की गाड़ी पे 10000 का फाइन कीजिएगा। अगर गाड़ी कहीं दूसरे जिले की आ गई ना, पटना में घुस गई गलती से, वो भी अगर समझिए कि पटना के अगल बगल का नहीं हो, तो आपको दबोच लिया जाएगा पटना में ट्रैफिक पुलिस के महिला बल के द्वारा। वो चीते की फुर्ती से आपको पकड़ेंगे ना, कि लगेगा कि बिहार में सबसे बड़े अपराधी आप ही हैं। लगेगा कि ट्रैफिक पुलिस को जिस तरीके से आपको चंगुल में जब, और बिहार से बाहर की गाड़ी जब हो गई, तब तो इनके बल्ले बल्ले हो जाती है। जैसे है ना, मैडम बोल रही है कि हमको फाइन नहीं होता है, अब अपनों पे करम गैरों पे सितम, ये पटना पुलिस ये जुल्म ना कर। पटना की ट्रैफिक पुलिस, SP साहब, इस वीडियो पे कृपया संज्ञान लीजिए, और मैडम के गाड़ी पे जो 10000 का 3 बार चलान हुआ, 4 बार, और नहीं काटा गया, क्या ये मैडम अपने सैलरी से भरेंगी? क्या मैडम अपने सैलरी से भरेंगी? अब देखिए चौथा चलान दिखाते हैं। उस समय भी इनके ड्राइवर थे विजय कुमार, और ट्रैफिक पुलिस ही उस समय भी फाइन काटती है। अब उसमें भी काटा गया है कि हेलमेट नहीं है, इस वजह से। पहला नंबर तो ये दिखता है कि बेखौफ होकर ये महिला इस अपाचे को लेके घूम रही है, क्योंकि लगातार चलान होना ये दर्शाता है कि इनको कानून का डर नहीं है। और यही महिला पुलिस बल, जब हम या आप सड़क पर निकलेंगे, तो फिर किस तरीके से व्यवहार इनका होता है, चाहे आप डाकबंगला चौराहे पर चले जाइए, चाहे आप किसी चौक चौराहे पे चले जाइए पटना में, सुबह 6 बजे से लेके और रात के 7 बजे तक किस तरीके का दुकान सजा हुआ रहता है, इस बात को तो हमसे बेहतर अगर आप बोले, दर्शक हमारे तो ज्यादा बेहतर है। अब 4 या 5 चलान इनका है, 5 चलान में अगर 10000 का फाइन हो जाता है इनका पॉल्यूशन का, तो भैया 40-50000 तो बिहार सरकार को ऐसे ही आ जाता है, और शायद महिला सिपाही का वेतन जो है उतना तो निकल ही जाता। तो अब ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों, बताइए कि ये जो दोयम दर्जे की नीति आप अपना रहे हैं, ये जो लोगों को आप गलत तरीके से फाइन कर दे रहे हैं, और अपने पुलिस बल पे रहम दिखा रहे हैं, किस खुशी में? क्या ट्रैफिक पुलिस
आपको नहीं लगता है दर्शक लोग हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के दर्शक की ये दिस मतलब गल दोयम दर्जे की नीति अपना रहे हैं? एक तरीके से समझिए तो इनको अपने बारे में ज्यादा बेहतर सोच रहे हैं। पुलिस की वर्दी लगी हुई है तो अपने बारे में ज्यादा बेहतर सोचना है। दूसरे आदमी को है, हम आप आम जन है तो उसको बदतमीजी से के साथ उसके साथ पेश आया जाता है या लेके अपने तरीका से समझ ही रहे हैं किस तरीके से सेटल होता है। तो मैं कहना चाहता हूं पटना के ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक एसपी साहब से, कृपया संज्ञान लीजिए और दर्शकों को दिखाइए, हमारे दर्शकों को बताइए और मैडम पे फाइन करवाइए। 40,000 और 2,000 का कहीं 1,000 कहीं 2,000 का फाइन करके छोड़ देना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं सेटिंग से ही गाड़ी निकलती है अगर मैडम नहीं रहती होंगी तो, नहीं तो आप पे भी उंगली उठना लाजमी है। अगले एपिसोड में जब आपसे मिलेंगे हम तो पटना में रहने वाले बढ़िया पदाधिकारियों पे, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर सचिवालय में काम करने वाले कोई व्यक्ति हो, उनके गाड़ियों का एक बार डीएनए टेस्ट करते हैं और पेपर टेस्ट भी देखते हैं कि पटना की ट्रैफिक पुलिस और साथ साथ पटना के परिवहन पदाधिकारी उन पे कितना संज्ञान लेते हैं। मैं आपको लिस्ट दूंगा, अब देखते हैं कि पटना की फिर से कहते हैं ट्रैफिक पुलिस और परिवहन के पदाधिकारी, आपके हैंड हैंडल डिवाइस में अगर क्षमता होगी तो आप उस पर फाइन करके दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप बिहार की जनता और नेता दोनों को समान समझते हैं। नहीं कहीं हाथ कांप जाता होगा तो पता लगता है कि जो परिवहन और ट्रैफिक से डर गया उस पर सारा धारा चढ़ गया। क्योंकि पटना में ट्रैफिक पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा लगवाई थी तो हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा था हमारे आपके माध्यम से कि चाहे मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस हो, पदाधिकारी हो, आमजन हो या कोई हो, चालान तो सबका कटेगा। तो मैं धीरज परासर देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पे आपके सामने साक्ष्य दूंगा कि पटना की ट्रैफिक पुलिस या पुलिस किस तरीके से दोयम दर्जे का काम करती है, दोहरे चरित्र का अपना काम करवा रही है। अपनों को छोड़ देना और आम जनता पे सारा टैक्स लाद देना, ये एक इस वीडियो में तो देख ही रहे हैं, आने वाले दिनों में बढ़िया पदाधिकारियों का वीडियो और गाड़ी का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।